जी। अब सक्सेसिव डिस्काउंट, सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है? सक्सेसिव डिस्काउंट वो होता है अगर किसी चीज पे एक डिस्काउंट के बाद दूसरा डिस्काउंट भी दिया जाता है। जैसे कोई सामान है कहीं मॉल में बिक रहा है, कोई भी प्रोडक्ट है, तो कंपनी कहती है कि हम इस प्रोडक्ट में 10% का डिस्काउंट देंगे, और मॉल वाला बोलता है कि डिस्काउंट होने के बाद जो प्राइस आएगा मैं उसमें और 10% का डिस्काउंट दूंगा। तो ये सक्सेसिव डिस्काउंट होता है जब एक ही प्रोडक्ट पर दो अलग अलग डिस्काउंट मिलते हैं। ठीक है, अब इसका एक क्वेश्चन बताता हूं, क्वेश्चन से देखना। एक आदमी एक जैकेट खरीदने के लिए गया, ठीक है, उस जैकेट में 25% का डिस्काउंट एक चल रहा था और उसके बाद दूसरा डिस्काउंट चल रहा था 30% का। उसके बाद वो जैकेट 420 रुपीज की खरीद के लेके आया, तो बताओ वो उसकी कॉस्ट प्राइस क्या थी? कॉस्ट प्राइस नहीं, मतलब मार्क प्राइस क्या थी, एमपी क्या थी, मतलब जैकेट में कितने रुपए का टैग लगा हुआ था? जैकेट होगी, जैकेट में जो एमआरपी लिखी रहती है वो एमआरपी कितनी थी पूछ। तो कैसे करते हैं इसे? सबसे पहले हम मान लेते हैं, लेट मार्क प्राइस हमने मान लिया 100 रुपए थी, ठीक है। अगर मार्क प्राइस 100 रुपए थी, पहला डिस्काउंट लगा आफ्टर वन डिस्काउंट, पहला डिस्काउंट लगने के बाद ये मार्क प्राइस कितनी हो गई? मार्क प्राइस हो गई 100 माइनस 25% ऑफ 100, ठीक है, 100 में से 25% ऑफ 100 को माइनस कर दिया तो उसकी मार्क प्राइस निकलेगी पहले डिस्काउंट के बाद की, 100 माइनस 25 अपॉन 100 इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल, तो 100 माइनस 25 इज इक्वल टू 75। इसका मतलब डिस्काउंट होने के बाद, पहला डिस्काउंट होने के बाद उसे जैकेट पड़ी 75, जैकेट 75 की नहीं पड़ी, पहला जो डिस्काउंट था वो 75 रुपीज का हुआ उसका, ठीक है। अब पहला डिस्काउंट हो गया, हमने मानी थी मार्क प्राइस 100 रुपीज है, 100 में से हमने डिस्काउंट किया, तो पहले डिस्काउंट के बाद मार्क प्राइस नहीं है, सेलिंग प्राइस, पहले डिस्काउंट के बाद सेलिंग प्राइस हो गई 75 रुपीज। अब लेकिन 25% के बाद 30% का फिर डिस्काउंट लगा है, तो आफ्टर सेकंड डिस्काउंट, दूसरा डिस्काउंट लगने के बाद कितनी होगी? पहले उसकी मार्क प्राइस 100 रुपए थी, 100 में 25% का डिस्काउंट लगा तो वो 75 रुपए की हो गई। अब उसकी मार्क प्राइस 75 रुपए है, मान लेना है नहीं है तो 100 रुपए, तो उसकी सेलिंग प्राइस कितनी होगी? 75 माइनस 30% ऑफ 75 होगी, ठीक है, कोई दिक्कत पक्का? तो 75 माइनस 30 अपॉन 100 इंटू 75, ठीक है, इसको कैंसिल करते हैं तो 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, 2 जा 15 जा, तो एसपी हो जाएगी 75 माइनस 45 अपॉन 2, ठीक है, 75 और 45 अपॉन 2 को माइनस करेंगे तो
105 अपॉन 2 52.5 हो गई, सेलिंग प्राइस हो गई 52.5। ठीक है, हमें निकालना था मार्क प्राइस। अब हमारी जो सेलिंग प्राइस आई वो 52.5 आई, 52.5 जो है, लेकिन एक्चुअल सेलिंग प्राइस कितनी थी 420। 52.5 जो है वो 420 के बराबर है। ठीक है, तो 1 कितने के बराबर होगा, 420 अपॉन 52.5 के बराबर होगा, 420 नहीं है पॉइंट, तो क्या हो गया हमारा 420 उसकी एक्चुअल सेलिंग प्राइस थी, लेकिन हमने मार्क प्राइस को 100 माना है। 100 मानने के बाद जब हमने सॉल्व किया तो हमारी सेलिंग प्राइस आई 52.5। अब ये 52.5 जो है वो एक्चुअल में 420 है, तो 52.5 जगह 420 है, हमें मार्क प्राइस निकालनी है, तो हमें निकालना है 100 कितने के बराबर है, 100 रुपए कितने के बराबर है। यहां से हमें पता चला कि हमारा 52.5 आया और 52.5 एक्चुअल में 420 रुपए के बराबर है। इसको हटा ही लेना है रुपए किस मिलो, 52.5 जो है वो 420 रुपीज के बराबर है, तो एक जो है वो 420 अपॉन 52.5 के बराबर होगा और हमें मार्क प्राइस निकालनी है। तो 100 इज इक्वल टू 420 अपॉन 52.5 इंटू 100। ठीक है, अरे पूरा बताऊंगा इकट्ठे, 420 अपॉन 525, इसका पॉइंट हटेगा ऊपर जीरो बढ़ेगा, इंटू 100। अब इसे कैंसिल करते हैं तो 5 105 520 जा, 521 जा, 54 जा, 21 200 बार जाएगा, तो 800 रुपीज। इसका मतलब मार्क प्राइस जो है जैकेट की इज इक्वल्स टू 800। हमसे कहा था एक जैकेट है जिसमें पहला डिस्काउंट 25% है, दूसरा डिस्काउंट 30% है, उसके बाद वो जैकेट बेची गई 420 रुपए की। ठीक है, तो हमें हमसे पूछा है ये बताओ मार्क प्राइस कितना है। हमने मान लिया ये है नहीं, हमने मान लिया मार्क प्राइस 100 रुपए के बराबर है। ठीक है, अब 100 रुपए में जब 25% का डिस्काउंट लगेगा तो कितना हो जाएगा वो, 100 माइनस 25% ऑफ 100। यहां से कैलकुलेट किया तो पहले डिस्काउंट के बाद अगर मार्क प्राइस उसमें 100 रुपए है तो वो 75 रुपए की बिक्री थी। अगर है तो कितनी है ये नहीं पता, अगर 100 रुपए है तो वो 75 रुपए की बिक्री थी। अब लेकिन इसमें दूसरा डिस्काउंट और लगा 30% का, तो सेकंड डिस्काउंट के बाद वो जैकेट कितने रुपए की बिकेगी अगर पहले डिस्काउंट के बाद 75 रुपए की बिक्री है, तो 75 माइनस 30% ऑफ 75। इसको सॉल्व करके निकाला तो आया 52.5। इसका मतलब दो डिस्काउंट लगने के बाद 100 रुपए की चीज जो है वो 52.5 की बिक्री थी, लेकिन हमारी जैकेट की सेलिंग प्राइस कितनी थी, 420। तो हमारा सेलिंग प्राइस आया 52.5, तो इसका मतलब 52.5 जो है वो अगर 420 के बराबर है तो हमने जो मार्क प्राइस मानी 100, ये 100 कितने के बराबर होगा ये निकालना था हमें। तो हमने यहां से पहले 1 निकाला, अगर 52.5 420 रुपीज के बराबर है तो 1 कितने के बराबर है, 420 अपॉन 52.5, और अगर 1 जो है वो 420 अपॉन 52.5 के बराबर है तो 100 कितने के बराबर होगा, उसको इंटू 100 कर दिया, इंटू 100 करके सॉल्व किया तो 800 आया। इसका मतलब मार्क प्राइस जो थी उसमें जैकेट में वो 800 रुपीज आ गया। ये दोबारा बताऊं, करो फिर नोट, सक्सेसिव डिस्काउंट है, अब अगला क्वेश्चन है, फाइंड सिंगल डिस्काउंट विच इज इक्विवेलेंट टू टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 10%। अगर किसी प्रोडक्ट पर पहले 20% का डिस्काउंट दिया जाता है, उसके बाद 10% का डिस्काउंट दिया जाता है, तो ये दो डिस्काउंट एक कितने डिस्काउंट के बराबर होंगे,
मतलब इतने दो डिस्काउंट दिए जाएं उसके बाद जितने का कस्टमर को पड़े, या फिर एक डिस्काउंट दिया जाए कि कस्टमर को उतने का ही पड़े, तो कितने का डिस्काउंट देना चाहिए, यह है क्वेश्चन। मतलब अगर हम ये दो डिस्काउंट मिला दें और एक अकेला डिस्काउंट दे दें तो कितने का डिस्काउंट देना पड़ेगा कि उसकी जो सेटिंग प्राइस है, बेचने की प्राइस है, वो इन दो डिस्काउंट के बाद जो पड़े वही एक डिस्काउंट के बाद पड़े, तो कितने परसेंट का डिस्काउंट देना पड़ेगा, ये क्वेश्चन। हाँ 30। अच्छा निकाल लेते हैं, दो डिस्काउंट दिए गए 20-30 के बाद। हम सबसे पहले मान लेते हैं लेट मार्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इक्वल टू 100। हमने मान लिया कोई आर्टिकल है जिसमें 100 रुपीज लिखी है मार्क प्राइस, ठीक है। आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट, पहला डिस्काउंट जब दिया गया तो उसकी सेलिंग प्राइस कितनी हुई, एसपी ऑफ आर्टिकल कितनी होगी, 100 माइनस 20% ऑफ 100, 100 माइनस 20% ऑफ 100, यही होगी 100 में से 100 का 100 का 20% निकाल दिया तो उसकी सेलिंग प्राइस होगी। इसको सॉल्व करेंगे तो 100 माइनस 20 अपॉन 100 इनटू 100, ये आएगा 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 80, ठीक है। पहले डिस्काउंट के बाद वो चीज जो 100 रुपए की थी वो हमें 80 रुपए की पड़ गई, ठीक है। अब आफ्टर सेकंड डिस्काउंट, दूसरा डिस्काउंट पड़ेगा तो एसपी ऑफ आर्टिकल कितनी हो जाएगी, 80 माइनस 10% ऑफ 80, ठीक है। तो 80 माइनस 10% ऑफ 80, एक जीरो से जीरो गया, ये जीरो से जीरो गया, तो यानी कि 80 माइनस 8 इज इक्वल टू 72, ठीक है। एसपी हो गई, सेवेंटी टू, मतलब पहले 20% का डिस्काउंट पड़ा, फिर 10% का डिस्काउंट पड़ा, तो 100 रुपए की चीज जो है 72 रुपए में बिकी, ठीक हो गया। अब ये 72 अगर हमें डिस्काउंट परसेंट निकालना हो, डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, अपॉन एमपी इंटू 100। हमें कॉस्ट जो मार्क प्राइस थी वो 100 रुपए थी और 72 रुपए का बेचा है हमने, तो हमें देखते हैं कितने का डिस्काउंट किया है हमने। डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, एमपी माइनस एसपी अपॉन एमपी इंटू 100। एमपी है 100, एसपी है 72 अपॉन एमपी है 100 इंटू 100, कितना आएगा इसको माइनस करके, 28 अपॉन 100 इंटू 100। काट सकते हैं, यहीं पे काट देना, यहां पे काटो, कोई की बात है, यहीं पे काट दो, तो ये सीधे कैंसिल हो गए, सीधे 28 आ गया, 28%। इसका मतलब अगर पहले 20% का डिस्काउंट दिया गया, उसके पास 10% का डिस्काउंट दिया, तो जो उसकी बेचने की प्राइस होगी वो 28% डिस्काउंट के बराबर है, 28% अकेले डिस्काउंट के बराबर है। इसका मतलब दो परसेंट कहां गया, कहीं गया ही नहीं। इसका मतलब ये है कि अगर दो डिस्काउंट पड़ेंगे तो वो जोड़ने के बाद जितना आ रहा, जरूरी नहीं है वो दोनों उसके बराबर ही आए। मतलब ये नहीं है कि अगर दो पर डिस्काउंट पड़ रहे 20 और 10 तो टोटल डिस्काउंट 30% पड़ रहा है, जरूरी नहीं है। ठीक है, वो निकाल के देखना पड़ेगा हर बार। अब ये प्राइस में अगर हम 20 और 10% को निकालने के बाद जितने का वो बिक रहा था उतना एक्चुअल जो है वो 28% डिस्काउंट के बराबर है। ठीक है, करो
अब ये था सक्सेसिव डिस्काउंट, ठीक। उसके बाद वैट, पता है क्या होता है वैट? सेल्स टैक्स क्या होता है? कौन सी सेल में? वैट, सेल्स टैक्स, ये सुना हो ना सुना हो, ये जरूर सुना होगा। जीएसटी सुना है? क्या होता है? क्या सुना फिर इसके बारे में? वैट का मतलब होता है वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक, वैल्यू एडेड टैक्स। सेल्स टैक्स सेल्स टैक्स होता है। जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक। तुम कोई भी सामान खरीदते हो बाजार से, ठीक है, उसको जैसे 10 रुपए का कुछ सामान खरीदा, ठीक, तो वो ऐसा तो होता नहीं है कि वो सामान 10 रुपए में बन के तुम्हारे पास आ गया, मतलब उसे बनाने में कितने पैसे लगे होंगे, 5 रुपए 4 रुपए ऐसे लगे होंगे। उसके बाद जो बीच का पोर्शन होता है ना, उसमें से जो बेचने वाला होता है उसका प्रॉफिट होता है। अब वो ये तो है नहीं कि सामान लाएगा तुम ऐसे फ्री में दे देगा, उसका भी तो प्रॉफिट होगा। अगर वो 10 रुपए की चीज तुम्हें दे रहा है तो कम से कम 9 रुपए की तो पड़ी होगी उसे, 9 रुपए की पड़ी होगी। अब ऐसा तो है नहीं कि कंपनी से बनने के बाद 9 रुपए की उसके पास आ गई होगी। कंपनी से बनने के बाद एक टैक्स होता है जो गवर्नमेंट लेती है हर चीज में, लगभग हर चीज में, उसको बोलते हैं टैक्स। और वो गवर्नमेंट उस टैक्स का क्या इस्तेमाल करती है? जो भी चीजें तुम्हें मिलती है रोड बनाने में, या जो भी ऐसी चीजें जो गवर्नमेंट काम करवाती है, वो उस टैक्स की मदद से करवाती है, ठीक है। अब क्या होता है, तो एक जो 10 रुपए का तुमने सामान खरीदा, उसमें शॉपकीपर जो है उसका प्रॉफिट भी है, और उसमें से गवर्नमेंट को टैक्स को भी जाना, गवर्नमेंट को टैक्स भी जाना है। पहले ये टैक्स पड़ता था, वैल्यू एडेड टैक्स पड़ता था, ठीक है। एक जुलाई 2017 से पहले वैल्यू एडेड टैक्स पड़ता था। ये वैल्यू एडेड टैक्स में क्या होता है, इसका कुछ हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है और कुछ हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, ठीक है। तो 1 जुलाई को गवर्नमेंट ने क्या किया, ये वैट खत्म कर दिया कि अब वैट नहीं पड़ेगा तुम्हें, अब तुम्हें पड़ेगा जीएसटी। जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी भी दो होते हैं, एक होता है एसजीएसटी, एक होता है सीजीएसटी। एसजीएसटी मतलब स्टेट जीएसटी और सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी। तो वो जीएसटी जो होती है, वो जीएसटी का थोड़ा सा पार्ट जो है स्टेट गवर्नमेंट लेता है, मतलब आधा पार्ट, लगभग आधा पार्ट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट लेती है, आधा पार्ट सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। हाँ, वैट भी अलग अलग था, वैट भी स्टेट गवर्नमेंट को अलग पड़ता था। वैट में क्या होता था, कुछ चीजें ऐसी होती थी जिसका टैक्स स्टेट गवर्नमेंट लेती थी, और कुछ चीजें ऐसी होती थी जिसका टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लेती थी। वैल्यू एडेड टैक्स में फिर सेल्स टैक्स भी होता है, बहुत चीजों का क्या होता है वो भी बताऊंगा। फिर जीएसटी आया, एक ही चीज पे तुम्हें जीएसटी पड़ता था। जैसे 10 रुपए का सामान खरीदा, 1 रुपया जीएसटी पड़ा, मान लिया 1 रुपया जीएसटी पड़ा, तो उसका कुछ हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। 1 रुपए का मान लिया 50 पैसे स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है, 50% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। ये होता है टैक्स, ये होता है जीएसटी। 1 जुलाई 2017 से गवर्नमेंट ने जीएसटी लगाया, ठीक है। सेल्स टैक्स भी वही होता है, कुछ भी चीज हम बेचते हैं, कुछ भी चीज कोई बेच रहा है तो वो उसमें सेल्स टैक्स ले रहा है। ये भी चीज नहीं है, कुछ नहीं है, अब सिर्फ जीएसटी है। लेकिन इसमें क्वेश्चन जो है वो वैट एट वाले भी हैं, सबके हैं, तो वो एक टिकट है, एक फ्लाइट की टिकट है, ठीक है। वो फ्लाइट की टिकट की एक्चुअल प्राइस जो है 17,920 रुपए, ठीक है, 17,920 रुपए उसकी प्राइस है। अब
लोगों से कहा कि तुम अगर वो टिकट कराते हो तो तुम्हें 12% का जीएसटी देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पूछा है कि 12% जीएसटी देने के बाद हमें वो टिकट कितने की पड़ेगी। नहीं, सॉरी, क्वेश्चन 12% जीएसटी देने के बाद हमें वो टिकट जो है 17,920 रुपए की पड़ रही है, तो उस टिकट की एक्चुअल प्राइस कितनी है? मुझे नहीं पता, घटाना है बढ़ाना है वो तुम जानो। एक टिकट है जिसका एमआरपी या जिसका प्राइस कुछ है, जैसे हम क्या करते हैं, हम कुछ भी चीज खरीदते हैं ना, जिसका वो कुछ और होता है, प्राइस कुछ और होता है, उसके बाद कहता है कि ये चीज अगर तुम खरीदते हो तो तुम्हें जीएसटी देना पड़ेगा। जीएसटी लगने के बाद उसका प्राइस जो होता है वो बदल जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि जीएसटी दिया। तो ये कहा है कि ये टिकट जो था जीएसटी लगने के बाद 17,920 रुपए हो गया, तो बताओ जीएसटी लगने से पहले ये टिकट का प्राइस कितना था? नहीं, जीएसटी का क्या है, परसेंटेज ही तो है वो। हमने मान लिया लेट एसपी ऑफ टिकट जो था वो था 100 रुपए, हमने मान लिया वो टिकट जीएसटी लगने से पहले 100 रुपये का था। ठीक है, अब 12% जीएसटी लगे तो आफ्टर जीएसटी एसपी ऑफ टिकट कितना हुआ? एसपी ऑफ टिकट हुआ 100 + 12% of 100 हो गया। कोई दिक्कत इतने में? हो गया, कोई दिक्कत है इतने में? हंड्रेड प्लस 12/100 × 100 इज इक्वल टू 112। ठीक है, जीएसटी लगने के बाद 100 रुपए की टिकट जो है वो 112 रुपए की हो गई। ठीक है, तो इफ एसपी इज इक्वल टू 112, इफ एसपी इज 112 देन सीपी इज इक्वल टू 100। अगर 12% जीएसटी दे रहे हैं, अगर 112 रुपए की टिकट बिक रही है तो वो टिकट जो है एक्चुअल में 100 रुपए की है। तो अगर इफ एसपी, अगर टिकट बिक रही है 112 रुपए की तो उसकी सीपी है 100 रुपए। तो अगर एसपी 1 रुपए हुई तो कॉस्ट सीपी कितनी होगी? 100/112 होगी। ठीक है, अगर एसपी 1 रुपए हुई तो सीपी इतनी होगी, और अगर एसपी, इफ एसपी इज 17920 देन सीपी इज इक्वल टू कितनी होगी? 100/112 × 17920 होगी। ठीक है, 56 2 8 16 2 9 18 60 0 7 से जाएगा 7 8 56 7 1 7 7 2 14 1 2 8 0 8 से पूरा चल जाएगा 8 1 8 9 8 160 इज इक्वल्स टू रुपीज 6000। इसका मतलब अगर टिकट तुम्हें 17,920 की पड़ी है तो जीएसटी लगने से पहले उसका प्राइस था 16,000। 160 आ रहा है, 160 को 100 से मल्टीप्लाई किया ना फिर, और नीचे कुछ बचा ही नहीं था, 16,000। ठीक है, समझ में आ गया? दोबारा बताऊं दोबारा करो नोट।
हो गया। एक कस्टमर ने एक आर्टिकल खरीदा 3200 रुपीस का, उस पे उसे 1600 वैट पड़ा है, 1660 वैट पड़ा है, तो बताओ उसको कितना वैट परसेंट पड़ा है। एक कस्टमर ने एक आर्टिकल खरीदा 3200 रुपीस का, उस पे उसे वैट पड़ा 160 रुपए, तो बताओ कितना परसेंट वैट पड़ा उसे। यह क्वेश्चन, हाँ परसेंट में निकालना है। हम मान लेते हैं लेट वैट परसेंटेज इज इक्वल टू एक्स, हम मान लेते हैं एक्स परसेंट उसे वैट पड़ा, तो यह वैट पड़ा किस पे, 3200 पे पड़ा, तो इसका मतलब है x परसेंट ऑफ 3200 इज इक्वल टू 160। ठीक है, अब सीधे सीधे फॉर्मूले में रखना, x अपॉन 100 इंटू 3200 इज इक्वल टू 160, दो जीरो से दो जीरो खत्म, ये मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया 32x इज इक्वल टू 160, x इज इक्वल टू 160 अपॉन 32, 16 2 जा 32, 16 10 जा 160, 2 1 जा 2, 2 5, इसका मतलब उसे 5% का वैट पड़ा, तो वैट परसेंटेज इज इक्वल टू 5%। ठीक है, कोई सा भी फॉर्मूला नहीं लगाया, हमने माना था हमसे कहा गया एक कस्टमर को एक आर्टिकल जो है वो 3200 रुपए का था, एक आर्टिकल जो उसने खरीदा, जब वो खरीदने के लिए गया तो दुकान वाले ने उससे कहा कि इस आर्टिकल पे 160 रुपए वैट देना पड़ेगा, वैल्यू एडेड टैक्स देना पड़ेगा, तो इस ये पूछा है कि बताओ कितना परसेंट दुकान वाले ने उससे वैट लिया। हम मान लेते हैं उससे दुकान वाले ने उससे एक्स परसेंट का वैट लिया, तो ये एक्स परसेंट का वैट किस पे पड़ा, ये 3200 रुपए में पड़ा, 3200 रुपीज में पड़ा, तो 3200 का जो एक्स परसेंट है वो 160 के बराबर है, तो हमने सीधा सीधा यही किया, x अपॉन परसेंटेज का साइन रहता है अपॉन 100 लगाया, ऑफ का मतलब इनटू 3200 इज इक्वल टू 160, x अपॉन 100 इनटू 3200 इज इक्वल टू 160, दो जीरो से दो जीरो काटे, 32 इनटू x किया, 32x आया इज इक्वल टू 160, 32 इधर मल्टीप्लाई में था, दूसरी इक्वल टू दूसरी तरफ भेज दिया, डिवाइड में हो गया, दोनों को कैंसिल किया तो 5% आया, बस इतनी सी बात, करो नोट फटाफट।